अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मरियम आपा और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके पसंदीदा शो इल्म का आंगन की एक नई किस्त के साथ। जल्दी से उन बच्चों को शाबाशी दे देते हैं जिन्होंने हमें पिछली किस्त का होमवर्क करके अपने नाम भिजवाए हैं और खूबसूरत सी ड्राइंग्स भिजवाई हैं। पिछली किस्त में मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपने हीरोज की तस्वीर बनाकर भेजें। जिन बच्चों की ड्राइंग्स हमने चुनी हैं, उनके नाम हैं आस्तद खावर, जमजम खान, रहमा नूर, हादिया काशिफ, लीजा, दुआ इमाम, महरीन सिकंदर, ईशाल फातिमा, मोमिना शफी और एमन इमरान। शाबाश बच्चों, आपने हमें इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाकर भेजी और हीरोज में इतने सारे लोग हैं जैसे कि हमारे कायद, इकबाल, हमारी डॉक्टर्स और नर्सेज भी। शाबाश बच्चों। इस हफ्ते जिन बच्चों ने हमें होमवर्क करके अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं साहिवाल से बिलाल, मोहम्मद अली अटक से, आफिया शाहीन और आरफा शाहीन कंगनपुर से, मुसैब कराची से, असद लाहौर से, एदन कराची से, हसन एबटाबाद से, जुमीमा मलिक चौक आजम से, मदनी कोट अद्दू से, बिलाल आरिफ वाला से, सोबिया और एमन हरीपुर से, अलिश्पा भलवाल से, हारिस रावलपिंडी से, हलीमा हरीपुर से, जकीउर रहमान कंगनपुर से, महनूर शुक्र बरनाला से, आयशा शुक्र बरनाला से, फातिमा शहजाद सियालकोट से, सलमा मियाँ चन्नू से, आयजा मलिक गुजरात से, उमायमा इरफान रावलपिंडी से, अहमद इरफान रावलपिंडी से, मारिया नूर इस्लामाबाद से, बिस्मा नूर हारूनाबाद से, महनूर हारूनाबाद से, नुमान कराची से और अलीजा फैसलाबाद से। चलें अब जल्दी से खड़े हो जाएं और वो बच्चे जो आम तौर पे सिर्फ देखते हैं वर्जिश को वो आज करें भी। तो चलिए जल्दी से वर्जिश कर लेते हैं और चुस्त फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और सेहतमंद हैं और आज की वर्जिश के लिए तैयार हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है मरियम लियाकत, मैं अपना टाइमर शुरू करूंगी अब और आपको लेके जाऊंगी पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन लंच। स्पाइडरमैन की तरह हमने साइड टू साइड हिलना है, ठीक है? पांव अपने खोलें, दाई तरफ मुड़े और फिर बाएं तरफ। स्पाइडरमैन मेरा पसंदीदा सुपर हीरो है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक और एक्सरसाइज करवाऊं। हम पहले भी कर चुके हैं स्पाइडरमैन की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस और आज हम एक नई एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो अपने अपने बस टांगों को दाई और बाई तरफ लेके जाना है और आपने मुस्कुरा के वर्जिश करनी है। अगली एक्सरसाइज का टाइम आ रहा है अब। हमने करनी है क्रॉलिंग। तो आप आ जाएं, अपने हाथों पर अपने घुटने नीचे रखें, एक इंच उसको हवा में उठाएं और बिल्ली की तरह आपने क्रॉल करना है और फिर मुड़ना है आपने। सो एक दो तीन चार, फिर आपने मुड़ना है। एक और फिर एक दो तीन चार, वापस मुड़ जाएं। और ये याद रखें कि आपके घुटने जमीन पर नहीं लगने चाहिए, ये आपका चैलेंज है। वापस मुड़ें और खड़े हो जाएं।
अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो बहुत आसान है। उठक बैठक, कंधे पीछे करें, स्माइल करें और शुरू करें। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बहुत आसान है उठक बैठक। सिर्फ कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बस नीचे और ऊपर, रुकना किसी ने नहीं है, बस अपने आप को दबाना रखना है, चुस्त रखना है और मेरे साथ साथ करना है। थोड़ा सा टाइम और, एक और सेकेंड। और अब हम फिर से करते हैं स्पाइडरमैन एक्सरसाइज, ये आपका राउंड टू है, ठीक। अब हमने ज़्यादा जज्बे से करना है, इस तरफ पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। पांव को अपने वाइड रखना है, आपने दूर दूर रखना है और फिर आपने स्पाइडरमैन लंच करना है, मतलब आपने साइड टू साइड, दाएं से बाएं अपने आप को लेके जाना है। बहुत खूब, करते जाइए थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अगर आपने और तेज करना है, आप और तेज कर सकते हैं। चलें जी, अब आते हैं वापस बिल्ली वाली एक्सरसाइज के ऊपर। तैयार हो जाएं, अपने घुटने उठाएं और शुरू हो जाएं। एक दो तीन चार, फिर आपने मुड़ जाना है। फिर से करते हैं, एक दो तीन चार, मुड़ जाइए। फिर से वन टू थ्री फोर, वापस मुड़ जाएं। एक और दफा, वन टू थ्री फोर, और खड़े हो जाएं। आखिरी एक्सरसाइज, इसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे उठक बैठक। क्या आप तैयार हैं? चलें जी, तैयार हो जाएं। नीचे ऊपर, बैठक उठक, नीचे और ऊपर, कितनी आसान है। आप 30 सेकेंड के अंदर कितनी दफा उठक बैठक कर सकते हैं? 20 दफा कर सकते हैं? 20 दफा नहीं तो 12 दफा तो कर सकते हैं। नीचे और ऊपर, कितना आसान है, बस रुकना नहीं है आपने। जज्बा दिखाएं मुझे अपना, शाबाश, ऑलमोस्ट देयर। अच्छा जी, अब आते हैं हम आखिरी दो एक्सरसाइजेस की तरफ, जिसमें हम स्ट्रेच करेंगे। क्या करना है आपने, पांव इस तरफ लेके जाएं और हाथों को ऊपर ले जाएं, और अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप को थोड़ा और पीछे ले जाएं, और आपने सांस लेनी है नाक से अंदर और मुंह से बाहर, जिस तरह आप भूख मार रहे हैं, अंदर और फिर बाहर। इससे आपके मसल्स में एक अच्छा सा खिंच फील होगा। और अब हम यही एक्सरसाइज करेंगे इस तरफ, दोनों पांव आगे, पीछे वाली टांग को सीधी करें, आगे वाले घुटने को आपने मोड़ना है, हाथ ऊपर और अपने आप को नीचे लेके जाएं, और अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें और सांस लें। सबसे अहम इस तरह की वर्जिश में होता है सांस लेना, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। वर्जिश के वक्त इस तरह से सांस लेना सीखें। और अब हमारी आज की वर्जिश हुई खत्म, तालियां। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब आपने फौरन जाना है, अपने हाथ धोने हैं, आपने अपने आप को साफ रखना है। वर्जिश के बाद आप पानी पिए और मैं आपको मिलूंगी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज। वर्जिश करनी, शाबाश। अब ऐसा करें कि अगर आपके घर में दूध पड़ा है तो एक ग्लास दूध भी पी लें। वर्जिश के बाद अगर हम दूध पिएं तो हम मजबूत हो जाते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि रोज सुबह दूध पीऊँ, लेकिन मुझे दूध सिर्फ मीठा पसंद है तो मैं दूध में चीनी डाल लेती हूँ। आज सुबह जब मैंने चीनी दान खोला तो चीनी ही खत्म थी। मैंने तो अपनी अम्मी को कह दिया कि मैं दूध नहीं पी सकती क्योंकि घर में चीनी ही नहीं है। तो अम्मी ने ये किया
के अंदर से शहद निकाला और शहद डाल दिया। बच्चों दूध तो बहुत मजे का हो गया। आज मुझे पता चला कि शहद चीनी की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है और वो चीजों को बहुत मीठा कर देता है। आपने शहद चखा है? आपको पसंद है? आपको पता है आज की कहानी भी शहद के बारे में है, तो चलिए कहानी आंटी सानिया से कहानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, कैसे मिजाज? गर्मियाँ ठीक गुजर रही हैं? हाँ, गर्मी तो है भाई, क्या करें। और सिर्फ आपको नहीं, सबको बहुत गर्मी लग रही है। गर्मियों में ख़ास तौर पे अपना भी ख्याल रखना है और बाकी सब लोगों का भी ख्याल रखना है। ख्याल रखने से मुझे याद आया, आपको पता है आपा भी एक इतनी अक्लमंद खातून है, वो सब का ख्याल रखती हैं। आप आपा भी को नहीं जानते? ओ चलिए, मैं आपको आपा भी से मिलवाती हूँ। हमारी आज की कहानी भी आपा भी के ही बारे में है और इसके मुसन्निफीन हैं आयशा आरिफ और फातिमा एजाज और मुसव्विर हैं फैज़ान अहमद। और आपा भी की कहानी का नाम है मीठा हल। गांव के इस दरख्त पर आपा भी अपने ख़ानदान के साथ रहती थी। रोज़ की तरह आज भी बहुत मसरूफ़ दिन था। तमाम मक्खियाँ रस जमा करके छत्ते में ला रही थीं और आपा भी उनकी निगरानी कर रही थीं। ज़रा ध्यान से रस डालो मक्खियों, किसी भी हिस्से में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपा भी सबको समझा रही थीं। ओहो, इस शहद में तो थोड़ी कड़वाहट है, ये बोतल मार्केट में नहीं जा सकती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि एक दिन अचानक छत्ते में जलजला आ गया। सारी मक्खियां घबरा कर चीखने चिल्लाने लगीं, हाँ पापी, ये क्या हो रहा है? मक्खियों ने डरते डरते जो बाहर झांका तो देखा कि एक लकड़हारा उनका पेड़ काट रहा था। इस हंगामी सूरत हाल में आपा भी ने खानदान के बड़ों को जमा किया। सबने कहा, आपने हमें सिखाया है कि हम इंसानों को कभी तकलीफ ना पहुंचाएं, लेकिन देखें अब वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपा भी ने सबको इकट्ठा किया और कहने लगी, आप डरे नहीं, मेरे पास इसका एक हल है। आप सब अपना काम जारी रखें, लकड़हारे से मैं बात करूंगी। जब आपा भी ने लकड़हारे से दरख्त काटने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो लकड़ी काटकर बेचना चाहता है ताकि अपने घर वालों के लिए खाना ले सके। आपा भी कहने लगी, लेकिन अगर पेड़ कट गया तो मेरा सारा खानदान तबाह हो जाएगा। फिर आपा भी ने कुछ सोचा और बोली, क्यों ना हम आपको लकड़ी की जगह शहद दे दें, आप इसे बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। लकड़हारा खुश हो गया और हंसते हुए बोला, वाह चालाक भी, तुमने क्या खूब हल निकाला है। और यूं आपा भी ने दोनों घर बचा लिए। है ना आपा भी अक्लमंद खातून, सब का ख्याल रखती हैं। आप रखते हैं? ये कहानी तो शहद की तरह मीठी थी। वैसे बच्चों आपा भी बहुत होशियार थी, उन्होंने मक्खियों का घर भी बचा लिया और लकड़हारे का भी। वैसे कोई मसला आ जाए तो हल तलाश करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम डटे रहें तो हल निकल ही आता है। कई मसाइल का हल सवाल पूछने से निकल आता है। जैसे अगर आपको याद हो तो आपा भी ने लकड़हारे से पूछा था कि तुम ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने ये सवाल किया तभी ये मसला हल हो सका, वरना तो शायद किसी का घर चला जाता। बच्चों सवाल पूछने से मसाइल के हल तो निकलते हैं,
लेकिन कभी कभी सही से सवाल पूछना ही मसले का हल होता है, और मग्गा के साथ यही हो रहा है। तो आए देखते हैं कि मग्गा किस मुश्किल में है और पिंकी उसकी मदद कैसे करती है। मग्गा का मसला। ये मग्गा है। मग्गा शहर के करीब एक जंगल में रहता है। मग्गा को हर कोई बहुत पसंद है, लेकिन मग्गा की आवाज बहुत ऊंची है। आज मग्गा बाजार आया है। वो सबसे लंबा और बड़ा है। मग्गा को दूध चाहिए, मगर एक मसला है, वो जो भी कहे लोग दूर भाग जाते हैं। दूध मिलेगा। रक्षे मिल चुका है। आइसक्रीम है। मग्गा उदास वापस चला गया। घर जाकर वो बहुत रोया। मानो मग्गा ने पिंकी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। मग्गा, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सवाल नहीं पूछा। हाँ? तुम जा रहे हो? अब तुम इस्तेमाल करो सवालिया निशान। सवालिया निशान क्या होता है? ये है सवालिया निशान। जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। तुम जा रहे हो? सवाल पूछते हुए हम अक्सर क्या, क्यों, कौन, कहां और कब जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। क्या दूध मिलेगा? ये तो बहुत आसान है। क्या मैं आपको सड़क पार करा दूं? क्या मैं आ जाऊं? फिर पिंकी और मग्गा मेले में गए। क्या आइसक्रीम है? शुक्रिया पिंकी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सवाल नहीं है। अब इस्तेमाल होगा फिजाइया निशान। ये है फिजाइया निशान। जब किसी जुमले में शिद्दत होती है, हम इसमें फिजाइया निशान इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आइए दोहराते हैं। ये है सवाल या निशान। ये सवाल के आखिर में आता है, जैसे कि कहाँ जा रहे हो, कब चलना है, कौन आया है, और ये है फिजा या निशान। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें किसी जज्बे की शिद्दत का इजहार करना होता है। ये भी जुमले के आखिर में आता है, जैसे कि अम्मी बहुत गुस्से में हैं, मुझे खेलने जाना है, खाने में बहुत मिर्चे हैं। अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें। तो बच्चों याद रखिएगा,
सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगता है सवालों के आगे, और फिजाइया निशान यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ऐसे जुमलों के आगे जिनमें शिद्दत हो। जैसे मैं शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से का, और वो है हमारा आर्ट्स का हिस्सा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको अनोखी शादी की कहानी याद है? राशिद ने शादी का स्टेज कागज के फूलों से सजाया था। कहानी आंटी ने हमें समझाया कि किसी खूबसूरत चीज को कचरा बनाने से बेहतर है कि कचरे को खूबसूरत बना लिया जाए। तो आज हम घर में मौजूद कागज और झाड़ू के तिनकों का इस्तेमाल करते हुए फूल बनाना सीखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीजों की जरूरत होगी: रंगीन कागज के सफ़े, टेप और कैंची, ग्लू और स्टेपलर, स्केल, पुरानी आइसक्रीम स्टिक्स, लकड़ी की टहनियां या झाड़ू की तिनके। तो चलिए साथ मिलकर कागज के फूल बनाते हैं। सबसे पहले एक कागज के सफ़े को अपने सामने रखिए, उसको आधे में फोल्ड करें और अच्छे से दबाएं। फिर स्केल की मदद से ऊपर की तरफ पेंसिल से लाइन बनाएं, इस तरह। अब कैंची का इस्तेमाल करते हुए फोल्ड हुए हुए कागज को काटना शुरू करें। कैंची के इस्तेमाल के लिए अपने बड़ों से मदद जरूर लीजिएगा। बच्चों ख्याल रखिएगा, जो लाइन आपने पेंसिल से ऊपर बनाई है उससे आगे आपकी कैंची नहीं जानी चाहिए। अब आप कागज को खोलें और सीधा कर लें। ग्लू को कागज के नीचे वाले हिस्से पे लगाएं। और दोबारा कागज को फोल्ड कर लें। बच्चों कागज के दोनों कोनों को चिपकाने के लिए आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिस्से को जोर से दबाएं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फिर झाड़ू के दो तिनके या लकड़ी की पतली टहनियों को आपस में जोड़ें और कागज के कोने में टेप से चिपका दें। अब आहिस्ता से इसको मोड़ना शुरू कीजिए। अगर आपको कागज को मोड़ने में मुश्किल हो रही हो तो आप घर में किसी बड़े से भी मदद ले सकते हैं। आखिर में इसको टेप से जोड़ दें। टेप को अच्छे से चिपकाइएगा ताकि आपका फूल खुल ना जाए। बच्चों इसी तरह आप मुख्तलिफ रंगों के फूल बनाकर गुलदान में सजा सकते हैं या फिर किसी को तोहफे में भी दे सकते हैं। चलें अब एक और फूल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले एक कागज के सफ़े को अपने सामने रखिए और उसको आधे में फोल्ड कीजिए। फिर इसकी साइड को दबाएं ताकि जब आप कागज को खोलें तो सफ़े के बीच में आपको एक क्रीज या लाइन दिखे। अब स्केल की मदद से कागज को बीच में से काट लीजिए। कागज के इस आधे टुकड़े को ऊपर से फोल्ड करना शुरू कीजिए, इस तरह। बच्चों इसको नीचे तक फोल्ड करना है। अगर आपको फोल्ड करने में मुश्किल हो रही है तो आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। अब इसको आधे में फोल्ड करें और इसकी साइड को दबाएं ताकि जब आप इसको खोलें तो आपको बीच में एक क्रीज या लाइन नजर आए। जो आपको लाइन नजर आ रही है इसको स्टेपल कीजिए। पेंसिल से दोनों कोनों में एक नीम दायरा बनाइए, इस तरह। कैंची की मदद से इसको दोनों तरफ से काट लीजिए। अब ग्लू को एक तरफ लगाइए और दोनों कोनों को जोड़ लीजिए। बच्चों इसको अच्छे से चिपकाइएगा।
हम दूसरी तरफ भी ग्लू लगाएंगे, लेकिन इस बार बीच में पुरानी आइसक्रीम स्टिक चिपकाएंगे। अब हमारा फूल तैयार है। बच्चों, इस तरह घर में बैठे बैठे आप बहुत सारे रंगों के फूल बना सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों को भी कागज के फूल बनाना सिखाइएगा। ये तो बहुत आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप अपनी फैमिली यानी अपने घर वालों के साथ मिलकर जरूर बनाएंगे। वैसे फैमिली से आपको इंग्लिश का कोई टॉपिक याद आता है, जैसे वर्ड फैमिली? हाँ जी, याद है, हमने एक वर्ड फैमिली पढ़ी भी थी, एट की वर्ड फैमिली। आज हम और वर्ड फैमिलीज भी पढ़ते हैं। ये वर्ड फैमिलीज अक्सर तालीमाबाद में आ जाती हैं और कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर देती हैं। तो आए देखते हैं कि आज तालीमाबाद में कौन सी वर्ड फैमिलीज आई हैं और हम उनके साथ क्या करेंगे। अब बंटी और बबलू भी इस काम में शामिल हो गए। वो बाहर गए तो देखा एक ट्रक के ऊपर ढेरों अल्फाबेट्स गिरे पड़े थे। बबलू ने बोला, ए? ये तो एन बनता है। बंटी बोली, वो देखो, वूव, वूव, एन, वूव, एन, एन, वैन। बंटी और बबलू भी खुश हो गए। वो देखो, एन, 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 मैन। हाँ, एन, 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 फैन। और इस तरह वहां से भी अल्फाबेट्स गायब हो गए। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। अब बंटी और बबलू को एक घर नजर आया। वहां भी सब कुछ टूटा हुआ था। वो देखो, ऐप, 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 मैप। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। हमने और वर्ड फैमिलीज के बारे में भी सीख लिया। अब हम इनके साथ भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। हम और किस्तों में भी कई वर्ड फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बच्चों, मैं सोच रही थी कि अगर पिंकी, बंटी और बबलू सब मिलकर एक ही वर्ड फैमिली से मुकाबला करते तो कितनी देर लग जाती सब वर्ड फैमिलीज की बारी आते आते। अच्छा हुआ कि उन्होंने तकसीम यानी डिवाइड कर ली। तो इस बहाने पिंकी ने एक वर्ड फैमिली के साथ लड़ लिया और बंटी बबलू ने दूसरी, तो काम आसान हो गया। डिवाइड या तकसीम करने से भी कई मसाइल के हल निकल आते हैं। आपको डिवाइड करना आता है? हम डिवाइड करना सीख लेते हैं आज। तो चलें हम तकसीम यानी डिवाइड कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सर्व करने के तरीके से तकसीम कैसे करते हैं। एक दिन शीबा शदीद भूख से पागल हो रहा था। भूख लग रही है, भूख, 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 भूख।
इतनी ही देर में गोपी आया और शीबा को इस हाल में देखकर बोला, अरे ये क्या शोर मचाया हुआ है? भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। ओह, याद आया, हर रात खान साहब अपनी दुकान के बाहर बची हुई मिठाई छोड़ जाते हैं, जो रोज एक बिल्ली खा जाती है। अगर हम जल्दी करें तो वो मिठाई हमें मिल सकती है। थोड़ी ही देर बाद छुप छुपाते शीबा और गोपी खान साहब की दुकान के बाहर पहुँचे। नहीं नहीं, ये कुल 18 मिठाई के टुकड़े हैं, बहुत हैं। मिठाई को देख के उनकी रालें टपकना शुरू हुई कि अचानक से अंकल आलू आ गए। ये कितनी मजे की लग रही है। ये कितनी मीठी लग रही है। और ये तो शीरे वाली भी लग रही है। ये तुम दोनों को कहां से मिली? हाय हाय, अब क्या करें? इन्होंने तो हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। उनको भी मिठाई का हिस्सा देके चुप करवा देते हैं। जो भी करना है जल्दी करो। गोपी और अंकल आलू दोनों सोच में लग जाते हैं कि ये 18 मिठाई 3 लोगों में कैसे तकसीम होगी। मुझे पता है, सबको 6 मिठाई के टुकड़े बराबर मिलेंगे। नहीं नहीं, ये जरूर कोई आपकी चालाकी है। मैं खुद बराबर तकसीम करूँगा, देखें मुझे। गोपी एक एक करके तकसीम करना शुरू करता है। एक अंकल आलू का, एक शीबा का, एक गोपी का, और शीबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। जल्दी करो भूख। मेरे तरीके से करते हैं फौरन होगा। कुल 18 मिठाई के टुकड़े हैं, तो 2 लोगों में तकसीम करेंगे तो 9 दोनों को मिल जाएंगे। है? ये कैसे? तो अंकल आलू उनको समझाते हैं कि अगर हमने 2 लोगों में 18 मिठाई के टोकरे तकसीम करने हैं तो हम 2 का टेबल देखेंगे और उसमें देखेंगे कि 18 किस बारी में आता है। चलो अब देखते हैं 2 के टेबल में 18 कब आता है। 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 2, 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 4, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6, 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 8, 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 10, 2 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 12, 2 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 14, 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 16, और 2 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 18। ये देखो, 2 इंटू 9 होता है 18, इसलिए 18 डिवाइडेड बाय 2 होता है 9। इसी तरह हम देखते हैं, अगर 18 मिठाई हम 3 लोगों में तकसीम करें तो क्या होगा। इसके लिए हमें 3 के टेबल में देखना होगा कि 18 कब आता है। चलो देखते हैं, 3 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 3, 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 6, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 9, 3 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 12, 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15, 3 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 18। यानी 3 के टेबल में 18 6 की बारी में आता है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 होगा 6। और इस तरह शीबा, गोपी और अंकल आलू अपने बीच मिठाई को बराबर तकसीम कर लेते हैं कि उनको दूर कोई और नजर आता है। अरे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि किसी और को हिस्सा देना पड़े। अभी प्ले स्टोर से ताली मबाद डाउनलोड करें। वेरी नाइस, अब आपने तकसीम करना यानी डिवाइड करना भी सीख लिया है। अब अगर घर में 4 टॉफीज हों और 2 बहन भाई, तो ये आप आराम से तकसीम कर सकते हैं कि दोनों को कितनी मिलेंगी, और आप मसले का हल निकाल सकते हैं। आज हमने मसाइल के हल निकालने की काफ़ी बात की है। इससे मुझे याद आया कि ज़ैनब ने भी एक मसले का हल तलाश कैसे करना है ये सीखा था। आए देखते हैं कि वो क्या मसला है और वो खुद उस मसले का हल कैसे तलाश करती है। Thank you.
जाए। इतनी लंबी लाइन, ये क्या हो रहा है? इनकी बारी नहीं है। हाँ, पर क्या करें ज़ैनब, कोई इनको रोक क्यों नहीं रहा? चलो रहने दो। लेकिन मुझे भूख लग रही है और हमने इतना इंतजार किया है। ये गलत बात है, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और भूख भी लगी है। अब क्या करूं? काय क्या कहते? बेटा ज़ैनब, ये मसला तुम खुद हल करो। पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। देखो ये चूंटियां भी सीधी लाइन में चल रही हैं। ओ सारा, बात सुनो। क्या हुआ? अगर चूंटियां कतार में चल सकती हैं, तो क्या हम चूंटियों से कम हैं? ये तो ज़ैनब ने अच्छा किया कि अपनी मुश्किल का हल खुद ही तलाश कर लिया। हमें भी चाहिए कि हम कोशिश करें कि अगर कोई मुश्किल या मसला आए तो उसका हल ज़रूर तलाश करें। दूसरों की मदद भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई दफ़ा हमें दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है। इसमें तो हमारा भी फ़ायदा है कि काम हो जाता है, और दूसरों का भी फ़ायदा है कि मदद करके शायद वो अच्छा महसूस करें। बच्चों, आप भी जितनी हो सके लोगों की मदद कीजिएगा और अपने मसाइल के हल तलाश करने की कोशिश जारी रखिएगा। हमने आज की किस्त में जो कुछ सीखा है, आइए जरा उसको दोहरा लेते हैं। आज हमने सीखा कि वर्जिश हमारी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। मीठा हल्की कहानी में हमने ये देखा कि आपा बी ने किस तरह एक ऐसा हल निकाला जिससे लक्कड़हारे और मक्खियों दोनों का फायदा हुआ। सवालिया और फिजाया निशान का इस्तेमाल सीखा। आर्ट्स में हमने कागज की मदद से फूल बनाना सीखे। इंग्लिश में हमने एन और ऐप की वर्ड फैमिलीज के बारे में जाना। रियाजी में हमने तकसीम यानी डिवाइड करना सीखा, और ज़ैनब से हमने ये सीखा कि कैसे हम खुद अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आज का घर का काम थोड़ा मुख्तलिफ है। वो ऐसे कि आज जो काम करके आप भेजेंगे, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। तो आपने इल्म का आंगन की टीम और मेरे लिए 3 सवाल सवालिया निशानात के साथ लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेजने हैं। अगर आपका सवाल मुंतखब किया गया तो हम उसका जवाब भी अगली किस्त में ज़रूर देंगे। दूसरा होमवर्क ये है कि सोचें कि क्या आप को कभी कोई मसला पेश आया है, आपने उसे कैसे हल किया। हमें उसके बारे में लिखकर या तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप पर भेजें, या फिर किसी बड़े को दिखाकर हमें अपना नाम, उम्र और शहर SMS कर दें। इसके लिए आप किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है
वो है 0300 0600 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300 0600 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ड्रॉइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 1192319। दोहरा रही हूँ 0301 1192319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 0600 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300 0600 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।